हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जो कि आपका पहला अध्याय है। इसमें हम लोग पहले चैप्टर को लेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का जो आप लोग लेक्चर देख रहे हैं ये लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अगर आपको किसी भी क्लास का नोट चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी नोट्स रहेंगे वो आपको उस पर मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। कूलाम का जो नियम था जिसमें हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल का अध्ययन कर रहे थे, वो जो नियम दिया गया था उसमें उन आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है उस बल की दिशा को व्यक्त नहीं किया गया था दिशा को। इसी वजह से हमें जरूरत पड़ी कूलाम के नियम की सदिश निरूपण का, मतलब इस वाले नियम के थ्रू हम लोग जो कूलाम के नियम में जो बल का परिमाण हमें मिलता था वो किस दिशा में कार्य कर रहा है वो हम लोग बता सकते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण द्वारा। तो इसकी जरूरत आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ते हैं। तो कूलाम का जो नियम था वो नियम क्या था, वो नियम ये था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम लोग कूलाम के नियम को देखें तो हमें ये फॉर्मूला मिला था एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 1 क्यू 2 के बटा आर स्क्वायर। तो ये जो हमें वैल्यू पूरा दिख रहा है ये हमें क्या मिल रहा है, जो बल लग रहा है इस बल के परिमाण को बता रहा है। तो इस कूलाम के नियम से केवल हमें परिमाण की जानकारी मिल रही थी, और यदि परिमाण की जानकारी मिल रही थी तो बल, क्योंकि बल जो होता है वो एक सदिश राशि है, बल क्या है, एक सदिश राशि है जिसके द्वारा हमें उसके दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो उस परिमाण के साथ दिशा को व्यक्त करने के लिए एकांक वेक्टर की जरूरत पड़ी। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर देख रहे हैं, तो इस आर का जो एकांक वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर कैप होगा। तो अब ये जो चीज है ये हमारा क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है, और ये जो पूरा वैल्यू है वो क्या है, परिमाण को बता रहा है। तो उसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कि इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, और जो बल लग रहा है किस कंडीशन में किस दिशा में लग रहा है इसको भी आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक मूल बिंदु O लेनी है। मैं फिगर किस तरीके से आपको ड्रा करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक मूल बिंदु O लेंगे और O के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष आप एक्स अक्ष खींचेंगे और वाई अक्ष खींचेंगे, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। फिर आपको क्या करना है, दो बिंदु आवेश लेंगे, जैसे यहाँ पे जो ब्लैक कलर का गोला देख रहे हैं यहाँ पे दो जगह, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों बिंदु आवेश हैं। जो ये वाला आवेश है ये हमारा Q1 आवेश है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा Q2 आवेश है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना Q1 आवेश, ये क्या है, Q1 आवेश है, और यहाँ पे Q2 आवेश है। दो आवेश आप ले लेंगे। अब इन दोनों आवेश को क्या करेंगे, इस बिंदु मूल बिंदु O से मिला देंगे, और यहाँ पे एरो बनाया गया, ये क्या है, एरो है, ये क्या है, एरो है, मतलब इसकी जो दिशा है, इस आवेश की जो दिशा है वो मूल बिंदु की सापेक्ष है, और मूल बिंदु की सापेक्ष जो ये आवेश रखा गया है उस आवेश की जो स्थिति है वो R1 है। और चूंकि हम लोग यहाँ पे स्थिति सदिश के बारे में या सदिश निरूपण के बारे में पढ़ रहे, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर हमारा क्या दिशा, क्या प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित, यहाँ पे जो चिन्ह देख रहे हैं तीर का, ये हमारे दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब इसकी जो दिशा है, जो आवेश Q1 की दिशा है वो मूल बिंदु के सापेक्ष है, और यहां से जो, चूंकि ये आवेश Q1 है इसलिए इसके जो स्थिति है वो R1 मानेंगे, और चूंकि दिशा यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है इसलिए इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा देंगे। क्लियर बात। अब उसी तरीके से जो मूल बिंदु यहाँ पे वो है, O के सापेक्ष इस आवेश Q2 की जो स्थिति है वो R2 होगी, क्योंकि यहाँ पे एरो देख रहे हैं Q2 आवेश की तरफ, एरो है तीर किधर है, Q2 आवेश की तरफ, तो इसलिए तीर हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग एक फिक्स दिशा में जाएंगे, मतलब Q2 जो आवेश रखा है वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक फिक्स दिशा में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग तीर लगा देते हैं जो कि हमें
स्थिति सदिश को बताता है, जो कि क्या बताता है, स्थिति सदिश। और यही हम लोग वेक्टर न लगाए तो हमें क्या पता चल रहा है, केवल स्थिति पता चल रहा है। ठीक, तो ये दोनों Q1 की जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो R1 है, वेक्टर R1, और Q2 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R2 है। अब चूंकि जो कूलाम के स्थिति सदिश के लिए जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं, इसमें जो हम लोग Q1 और Q2 दोनों आवेश लिए हैं, ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति के कहने का मतलब दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। और आप लोग जानते क्या है, आप लोग जानते हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस वजह से जो Q1 आवेश के कारण जो Q2 पे बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। वो किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। जैसे अगर हमारा दो आवेश है तो ये जो पहला आवेश है इसके कारण इस दूसरे आवेश पे जो बल लगेगा वो इस वाली दिशा में लगेगा। ठीक, उसी तरीके से इस आवेश के कारण इस वाले आवेश पे जो बल लगेगा वो उधर लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसके पास जो Q1 के कारण जो Q2 पे बल लगने वाला है वो F है, और चूंकि बल किस पे लग रहा है, Q2 पे, तो 2 को पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है उस नंबर को बाद में लिखेंगे। तो F21 और इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि बल की एक फिक्स दिशा है, बल की क्या है, एक फिक्स दिशा है, इस वजह से इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। उसी तरीके से Q1 पे जो बल लग रहा है वो भी F है, और चूंकि आवेश Q1 है इसलिए 1 को पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है उसको बाद में लिखेंगे और इस पे भी वेक्टर की दिशा लगा देंगे। अब बात आगे बात करते हैं कि R21 वेक्टर और वेक्टर R12 क्या है। तो Q2 के सापेक्ष, जैसे यहां पे मूल बिंदु के सापेक्ष हम लोग आवेश Q1 की स्थिति सदिश देख रहे थे, वैसे Q2 के सापेक्ष जो Q1 है उसकी स्थिति सदिश वेक्टर R12 है, और Q1 के सापेक्ष जो Q2 की स्थिति सदिश है वो वेक्टर R21 है। ठीक ना, जैसे जो बल की दिशा होती है वही हमारा क्या होती है, स्थिति सदिश की दिशा होती है। तो ये हमारा क्या है, पूरा फिगर है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा जो लिखे हुए उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आपके लिए इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको नोट्स इजी तरीके से मिल जाए। तो Q1 और Q2, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका नोट्स मिल जाएगा, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। तो इसके सापेक्ष जो मूल बिंदु A है इसके सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश वेक्टर R1 है, और मूल बिंदु के सापेक्ष जो Q2 है उसकी स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। यदि Q1 से Q2 की ओर होने वाले विस्थापन को, Q1 से Q2 की ओर होने वाले विस्थापन को हम लोग किससे लिखे, R21 से। Q1 से Q2 की ओर होने वाले विस्थापन को R21 से। देखो यहां पे एरो देख रहे हैं ना, ये वाला एरो देखिए, यहां पे रेड कलर का एरो एक दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, Q1 से Q2 की ओर जो विस्थापन है वो हमारा क्या है, R21 है, और Q2 से Q1 की ओर विस्थापन है वो क्या है, R12 है, जो कि एरो हमारा इधर की है। ये एरो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो विस्थापन R21 वेक्टर है, और तो हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर R21 है उसका जो वैल्यू होगा वो R2 - R1 होगा। वेक्टर R2 - R1 ये कैसे हमको पता चले, जैसे यहां पे हम लोग वेक्टर R21 देखिए, तो R21 हमारा जो वेक्टर है वो इसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को, उस डिस्टेंस को, उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, उसको प्रदर्शित कर रहा है वेक्टर R21, क्योंकि विस्थापन में क्या होती है, दिशा की जरूरत होती है। ठीक ना, तो ये क्या है, R21 कैसे पता चलेगा, मान लो कि हमें इस पोजिशन को देखना है, इस पोजिशन को हम लोग मान लें कि कोई पोजिशन है R2, इस पोजिशन को हम लोग R2 मान लें, तो इससे यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, R1 अगर मान लें, यहां से यहां तक की दूरी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, R21 मिल जाएगा। तो वही चीज यहां पे बता रहा है कि R21 वेक्टर जो है वो वेक्टर R2 - R1 के बराबर है। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर होने वाले विस्थापन को वेक्टर R12 से प्रदर्शित किया जाए तो R12 जो होगा, मतलब ए वाला R12 जो होगा वो बराबर होगा वेक्टर R1 - R2 के। अब चूंकि देखिए यहां पे R1 क्या है, माइनस चिन्ह के साथ है, और यहां पे R2
क्या है धनात्मक चिन्ह के साथ, जबकि यहां पे माइनस चिन्ह के साथ, मतलब दोनों में देखिए तो प्लस और माइनस का दोनों वैल्यू में अंतर है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसके बराबर लिख दिया गया है माइनस वेक्टर आर टू वन के। ठीक, अब आगे क्या बता रहे, सदिशो वेक्टर आर टू वन तथा आर वेक्टर आर वन टू के परिमाण, परिमाण को संकेतन क्रमशः आर टू वन तथा आर वन टू है, मतलब यहां पे कहने का मतलब है ये क्या है R12 जो है वो हमारा स्थिति सदिश है, लेकिन इस स्थिति सदिश का जो परिमाण है वो क्या है R12 है, उसी तरीके से R21 क्या है एक स्थिति सदिश है, लेकिन इस स्थिति सदिश का परिमाण है वो क्या है R21 है, मतलब अगर जो स्थिति सदिश रहेगी उस स्थिति सदिश के ऊपर से अगर हम लोग जो वेक्टर का चिन्ह है उस वेक्टर के चिन्ह के को हटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा स्थिति सदिश मिल जाएगा। तो वही यहां पे बताया गया कि सदिशों आर वेक्टर आर टू वन तथा वेक्टर आर वन टू के परिमाणों का संकेतन क्रमशः आर टू वन तथा आर वन टू है, किसी सदिश की दिशा का उल्लेख उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा किया जाता है, जैसे कि अगर हमारा कोई सदिश है आर वन टू, ये हमारा सदिश है आर वन टू, तो इसका जो एकांक सदिश होगा वो क्या होगा आर वन टू कैप होगा, तो आर वन टू कैप जो होगा वो बराबर होगा जो ये स्थिति सदिश है इस स्थिति सदिश के बटा इस स्थिति सदिश के परिमाण के, मतलब ए हो जाएगा इसका वैल्यू R12 कैप का जो वैल्यू होगा वो हमारा ए होगा। ठीक ना, मतलब जो एकांक वेक्टर होगा वो उस स्थिति सदिश के बटा स्थिति सदिश के परिमाण के क्या होता है बराबर होता है। ठीक ना, यहाँ पे मॉड हम लोग लगा देते हैं ताकि ये अगर प्लस और माइनस आए तब भी हमें प्लस चिन्ह ही मिले, तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर कैप या आर टू वन कैप को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्थिति सदिश आर टू वन के बटा आर टू वन। ठीक, उसी तरीके से आर वन टू कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो टोपी जैसा बोल रहे हैं ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैप बोलते हैं। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर वन टू कैप बराबर क्या हो जाएगा वैक्टर आर वन टू अपॉन आर वन टू, मतलब ये क्या है R12 वेक्टर जो है ये हमारी स्थिति सदिश है और R12 क्या है ये स्थिति सदिश का परिमाण है, और इस वेक्टर R12 का जो एकांक वेक्टर है वो हमारा R12 कैप है। ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसी तरीके से R12 जो बराबर है वो किसके था माइनस R21 के, तो माइनस R21 लिख दिए, और जो कि परिमाण हमारा जो रहता है वो अगर मान हम लोग 34 या कोई 5 प्लस 4 है तो 5 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा और 4 प्लस 5 को जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा 9, तो परिमाण जो होता है उसमें हमारे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो परिमाण को अगर इधर उधर हम लोग लिखेंगे, जैसे अगर हमारे यहां से यहां तक की दूरी मान लो इस आवेश से इस आवेश तक की जो दूरी है वो हमारा 10 मीटर है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहां से यहां तक की दूरी नापेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा, नहीं, दूरी तो वही रहेगी बस हमारा पोजीशन चेंज रहेगा। तो परिमाण हमारा क्या होगा बराबर होगा, तो इसलिए R12 की जगह पे हम लोग R21 को भी रख सकते हैं। अब यहां पे देखो तो ये माइनस लग गया, इसलिए माइनस R12 कैप जो बराबर हो जाएगा वो R माइनस R21 कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक, जहां R21 कैप तथा R12 कैप एकांक वेक्टर है, किसका एकांक वेक्टर है इस सदिश का, इस सदिश R21 सदिश का और R12 सदिश का। ठीक, अब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो आवेश Q1 के कारण, तो मैंने क्या बताया Q1 के कारण जो Q2 पे बल लगेगा तो हम लोग बल क्या लेंगे F21 वेक्टर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे वेक्टर F21, और चूंकि ये जो पूरा वैल्यू है ये हमारा क्या है परिमाण को व्यक्त कर रहा है, तो परिमाण को व्यक्त कर रहा है तो 1/4 πε0 Q1 Q2, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो गुलाम के नियम के द्वारा हम लोग बल का निरूपण किए थे वो क्या था यफ बराबर 1/4 πε0 क्यू वन क्यू टू के बटा आर स्क्वायर, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है वो अब यहाँ पे आर टू वन स्क्वायर है, तो आर के जगह पे हम लोग आर टू वन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना यहाँ पे वेक्टर आर टू वन है, तो हम लोग आर टू वन स्क्वायर लिख देंगे, और दिशा को व्यक्त करने के लिए हम लोग आर टू वन का कैप लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था ना आर का कैप, तो वैसे यहाँ पे जो दूरी रहेगी उसका हम लोग कैप ले लेंगे। ठीक, तो जो कि एकांक सदिश है जो कि हमें क्या बता रहा है किस दिशा में हमारा बल लग रहा है। ठीक, उसी तरीके से Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर R F12 बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 के बटा R12 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे F12 बल है इसलिए इसका जो हम लोग दूरी बोलेंगे वो R12 होगा, R12 होगा और इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से
और फिर इसका एकांक सदिश लिख देंगे आर कैफ वन टू। अब चूंकि आर कैफ वन टू जो बराबर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है माइनस आर कैफ टू वन के, तो यहां पे माइनस एफ टू वन बल हो जाएगा यहां पे। क्योंकि अब हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, अब दो हम लोग नियम ये पढ़ेंगे कि ये दोनों आवेश यदि समान प्रकृति की हो तब क्या होगा, और यदि ये दोनों आवेश असमान प्रकृति की हो तब क्या होगा। तो समान प्रकृति के जब आवेश रहते तो उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है, और वही अगर असमान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल होगा। तो वही दोनों नियम को हम लोग नीचे पढ़ेंगे, यदि क्यू वन व क्यू टू समान प्रकार के आवेश हैं तो एफ टू वन, एफ टू वन का मतलब ए, यदि Q1 और Q2 दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, समान का मतलब एक जैसे, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, तो जो F21 है इस F21 जो होगा वो इस स्थिति सदिश R कैप 21 के अनुदिश होगा, मतलब उसकी जो दिशा होगी वो इस बल की दिशा के ही बराबर होगी, मतलब जो दिशा इस बल का होगा वही दिशा इस स्थिति सदिश का होगा। तो वही यहां पे बोलने की कोशिश करें कि F वेक्टर F21 जो होगी वो R21 कैप के अनुदिश है, जो प्रतिकर्षण को व्यक्त करेगा, मतलब जब यदि दोनों ये समान प्रकृति के रहेंगे तो उस कंडीशन में इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उस बल की दिशा वही होगी जो इस एकांक सदिश की दिशा होगी। ठीक, तो ये हमें पता चल गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे यदि Q1 और Q2 विपरीत चिन्ह वाले आवेश हैं, तो Q1 और Q2 दोनों क्या है, अपोजिट चिन्ह वाले आवेश हैं, तो F21, F21 का मतलब जो ए वाला बल है वो माइनस आर टू वन, माइनस आर टू वन का मतलब यहां पे माइनस, क्योंकि जब दोनों विपरीत चिन्ह के वाले रहेंगे तो वो आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा तो ये जो Q2 रहेगा, ये जो Q2 रहेगा वो Q1 को खींचेगा, जो Q2 रहेगा वो क्या करेगा, Q1 को खींचेगा, तो इस वजह से खींचने की वजह से इस वाले जो एकांक सदिश रहेगा इस पे माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से F12 जो रहेगा वो क्या करेगा, Q2 को खींचेगा, Q2 को खींचेगा तो जो R12 रहेगा इसका जो कैप रहेगा उस पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, कि अनुदिश है जो कि क्या प्रदर्शित करेगा, आकर्षण को प्रदर्शित करेगा। तो यही था आज के कुलाम के नियम का सदिश निरूपण का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ चुकी होगी, तो आप लोग मैं हट जाता हूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो जो चीजें हटानी हो मैं बता दे रहा हूँ, ये सब आपको कुछ नहीं लिखनी है, और आपको किस तरीके से पूरा लिखना है वो मैं भी मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, फिर यहाँ से ये सब स्टार्ट करना लिखना, फिर ये सब पूरा लिख देंगे यहाँ तक, ठीक पूरा, और साइड में उसी पेज में साइड में क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, मतलब यहां तक लिख देंगे, फिर उसके नीचे आपको ये चीज लिखना है। जैसे यहां तक आप कंप्लीट कर दिए, यहां तक कंप्लीट करने के बाद उसके नीचे ये चीजें लिख देनी, और साइड में कहीं पे फिगर बना लीजिएगा, या तो फिगर सबसे ऊपर बना लीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, बाय बाय, टाटा।